आ गए भैया, अब थे नहीं ना दिन में, गाँव गए थे कहीं। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी गार्ड भैया से, जो कि काफ़ी टाइम से दिखाई नहीं दे रहे थे। तो पता चला कि वो अपने गांव गए थे और मैं जा रही हूँ अपनी कजिन सिस्टर को पिक करने, जो कि होम टाउन से आ रही है। आज ओश का बर्थडे भी है, मतलब मेरी नीस का बर्थडे भी है। तो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या प्लान है, घर पर सेलिब्रेट करेंगे या बाहर। तो पहले सोचा कि पिक कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। एंड मैंने यहाँ पर थोड़ी सी नैप ले ली, जो भी कॉन्टेंट क्रिएटर होंगे वो मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं कि हमें नींद कितनी कम मिलती है। मतलब सोने का तो एक भी मौका हम नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा, उसके बाद ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, थोड़ी सी बातें बातें की, वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी तो थोड़ा सा रेस्ट किया। एंड देन डिसाइड किया कि घर पे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, कहीं बाहर चलते हैं। और ये जो होटल है ना, ये घर के काफ़ी पास है, मतलब ग्रेटर नोएडा में ही है। तो डिसाइड हुआ कि इसी होटल में चलते हैं, कुछ भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है, जस्ट केक कट करना था एंड डिनर वगैरह करके घर आ जाएंगे। एंड कोई भी बाहर का आया भी नहीं था, सारे जितने भी फैमिली मेम्बर थे वही थे। तो यहाँ पर हम आ गए और सही था काफ़ी ये होटल भी, हमने टेबल पहले से ही बुक कर ली थी तो टेबल मिल गई। एंड देन यहाँ पे सब लोग डिनर कर रहे हैं, इसको अभी पता नहीं है कि मैं शूट कर रही हूँ। जैसे ही इसको पता चलेगा कि कैमरा ऑन है, ये कॉन्शियस हो जाएगी अभी देखना। एंड इसको पता भी चल जाता है मैं चाहे जैसे शूट करूँ। और ये तो हमेशा मस्त रहता है, मतलब इसको कुछ खाने को मिले या ना मिले। और ये है मेरी सिस्टर जिसका नाम शिवांगी है, शायद आप लोगों ने कई ब्लॉग में देखा भी होगा, जब भी मैं होम टाउन जाती हूँ वहाँ के ब्लॉग में ये दिखती है। देन यहाँ पे छोटे पापा, भाई एंड अंकल हैं, सब लोगों ने डिनर किया एंड केक कट कर किया। उसके बाद हम लोग आ गए घर, थोड़ा सा लेट हो गया था तो कुछ भी शूट नहीं किया। और दूसरे दिन भी हमने शूट नहीं किया, पूरा दिन हमने सिर्फ बातें करने में, सोने में ही निकाल दिया। लंच भी नहीं किया था, ब्रेकफास्ट किया था। तो हमने डिसाइड किया कि चलो कहीं पर बाहर कुछ खाते हैं। एंड आज ना एक मार्केट भी लगती है हमारे घर के पास ही, मतलब थर्सडे मार्केट ओपन मार्केट है, जैसे सरोजनी वगैरह है वैसे ही है। तो मैंने शिवांगी को बोला कि कुछ खा लेते हैं बाहर चल के एंड देन वहीं से मार्केट चले जाएंगे। एंड थोड़ा सा यहाँ पे वॉक भी कर रही थी, सोसाइटी के अंदर का ही व्यू है जो आप देख रहे हैं। एंड मैं इसको कुछ समझा भी रही थी, मैंने सोचा कि शिवांगी आई है अभी एक हफ्ते रहेगी तो कुछ शूट वगैरह भी करवा लेंगे, मतलब अगर कोई साथ में रहता है ना तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है, अकेले शूट नहीं हो पाता। शूटिंग वीडियो तो हो जाती है बैठ के, जो भी वीडियो होती है, बट ऐसे अगर आप चाहो रील वील के लिए तो नहीं हो पाता। तो वही मैं इसको समझा रही थी कि कैमरा कैसे पकड़ना है, लाइट कहाँ से आनी चाहिए कहाँ से नहीं आनी चाहिए, बोल रही दीदी मैं समझ गई। और उसके बाद सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन हुई है सोसाइटी में, मतलब ये ना छठ पूजा तक, छठ पूजा के बाद भी रहता है, उसके बाद से धीरे धीरे लाइट्स वगैरह उतरने लगती हैं। कहाँ कहाँ खोए हो? मेरी सोसाइटी के बाहर ना एक साउथ इंडियन फूड की स्टॉल लगती है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी साउथ इंडियन फूड मिलता है। तो हमने सोचा कि यहीं पर खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर गए फिर मार्केट भी जाना है तो लेट हो जाएगा काफ़ी। और मुझे साउथ इंडियन फूड थोड़ा पसंद भी है, क्योंकि ये स्टीम्ड होते हैं, मुझे फ्राइड चीज़ें अच्छी नहीं लगती। साउथ इंडियन फूड जितने भी होते हैं लगभग स्टीम्ड ही होते हैं, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इनको खाना। और शिवांगी को भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का। एंड मैंने ना एक चीज़ और एक्सपीरियंस की, खुले आसमान के नीचे खाना खाना, मतलब रात में, दिन तो शायद मैंने खाया होगा बट रात में इस तरह से मैंने कभी भी खुले आसमान के नीचे बैठ के नहीं खाया है। तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था, इवन मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से आऊँगी, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। एंड मैंने यहाँ पे इससे बहुत सारी चीज़ें पूछी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब जब भी गाँव से ये आती है ना तो मैं एक एक चीज़ के बारे में पूछती हूँ, पेड़ पौधे खेत जानवर इंसान, मतलब किसी को नहीं छोड़ती। तो मैंने थोड़ा सा इसको पकाया, देन हम लोग यहाँ से निकल गए वॉक करते हुए मार्केट के लिए। ज़्यादा मैं वॉक नहीं करती लेकिन किसी के साथ होता है तो वॉक करने में मज़ा आता है। और ज़्यादा दूर था भी नहीं, मतलब 5 to 10 minutes वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मार्केट है, तो हमने सोचा चलो वॉक करते ही चलते हैं, एंड कुछ ऑप्शन भी नहीं था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए मार्केट। और ये जो मार्केट है ना, मैंने बताया कि सरोजनी मार्केट जैसी है, ओपन मार्केट है। घुसते यहाँ पे थोड़ी वेजिटेबल की शॉप वॉप होती है, उसके बाद थोड़ा सा अंदर जाएंगे ना तो इस तरह का एथनिक वेयर मैंने देखा कि मिल रहा था। और यहाँ पे सारे ब्रांड, मतलब यहाँ पे मैंने देखा ऑरेलिया था, और जितने भी ये
फैब इंडिया टाइप की ब्रांड होती है, मैक्स था, मतलब सारी ब्रांड यहाँ पे थे और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ आप स्टोर पे जाके जो लोगे उनसे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल था। देन इस तरह की चीज़ें थी। एंड ये ना दिवाली के टाइम पे मार्केट की जो वो होती है ना वो अलग ही वाइब मिलती है, मतलब वो जो फेस्टिव वाइब होती है उस तरह की मुझे लग रही थी। यहाँ पे डेकोरेशन की चीज़ें थी। अच्छा मैं बता दूँ कि ये ब्लॉग पता नहीं कब जाएगा, कितना लेट जाएगा मुझे नहीं पता है, मैं अभी इसको बस एडिट करके और कंप्लीट करके डाल देती हूँ मैं, क्योंकि दिवाली में जाऊँगी अभी होम टाउन, उसके बाद कब मैं लाइव करूँगी कब नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेट भी जा सकता है तो देख लेना आप लोग, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि दिवाली का ब्लॉग और अभी आ रहा है। तो ये तब का ब्लॉग था एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इयरिंग्स वगैरह थी। एंड मैंने एक चीज़ और देखा यहाँ पे ना, एक शॉप लगी थी, छोटी सी शॉप थी लेकिन इनके यहाँ ब्लाउज़ के अच्छे कलेक्शन थे। एंड एक चीज़ और हुआ इस शॉप में, मुझे ना एक मेरे ही नाम की लड़की मिली, मतलब अंतिमा नाम की। ज़्यादातर ना मेरा नाम थोड़ा सा अलग है तो मुझे मेरे नाम के लोग नहीं मिलते, और जैसे ही मैंने इन भैया को पेटीएम किया और मैंने बोला इस नाम से आपको आया होगा, तो भैया बोले हाँ, तो वो बगल में जो लड़की थी वो जल्दी से बोला मतलब उसने कि आपका नाम भी अंतिमा है। मैंने कहा हाँ, तो उसने कहा मेरा नाम भी अंतिमा है। तो मैंने कहा अरे अच्छा बात है, मतलब यही है, मैंने देखा है ना कि अंतिमा नाम के लोग मुझे बहुत कम, रेयर है कि मुझे एक दो लोग ही मिले होंगे, नहीं तो नहीं मिलते। एंड यहाँ पे ना डेकोरेशन की चीज़ें ज़्यादा थी, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला कि फेस्टिव सीजन चल रहा है। देन फिर से मैंने देखा कि एक एथनिक वेयर की शॉप लगी हुई थी, काफ़ी सही लगा मुझे, मतलब मैं आती नहीं यहाँ पे, मेरे घर के पास है बट मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पे दियाज़ वगैरह थे, एंड ये दिया काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, क्योंकि ये नॉर्मल जो हैंडमेड होते हैं वैसे नहीं थे, कुछ यहाँ पे देख सकते हैं आप मूर्तियाँ वगैरह थी। उसके बाद हम लोग यहाँ से आ गए घर, वॉक करते ही आए, और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं ली थी, छोटी मोटी चीज़ें ली थी बस। एंड देन हमने ले ली आइसक्रीम, वैसे तो सर्दियाँ पड़ रही थी बट हमने कहा चलो थोड़ा सा यू नो, बातें करते हुए चलते हैं एंड कुछ खाते हुए। एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे पता चला ओ हमारे सोसाइटी में तो जो दिवाली मेला होता है वो भी लगा हुआ था, एंड ये लास्ट डे था दिवाली मेला का। तो हमने डिसाइड किया कि हम घर जाके वहाँ पे भी जाएंगे, थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि शिवांगी देख लेगी। और ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से डेकोरेशन हुई है सोसाइटी की। और हाँ मैं आपको बता रही थी ना कि छठ पूजा के बाद तक ये जो एकादशी नहीं आती तब तक यहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑन रहती हैं, और जैसे ही एकादशी ख़त्म होती है उसके बाद से सारी लाइट्स वगैरह निकलने लगती हैं, यू नो, फिर वो बिल्कुल से एकदम वैसे ही हो जाता है, तो मतलब लगता है कि हाँ फेस्टिव सीज़न ख़त्म हो चुका है। बट ये वाइब ना मुझे बहुत पसंद है, मतलब ये जो दिवाली वाला टाइम होता है, ये जो मौसम होता है, सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद मैं गई ऊपर फटाफट से और आ गई यहाँ दिवाली मेले में। ये सामने ओस खड़ी हुई है, ये मम्मी के साथ आई थी पहले से ही और हम लोग बाद में आए। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था, मैं आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मैं कभी भी नीचे नहीं उतरी हूँ लास्ट दिवाली में भी, मतलब हमेशा ही लगता होगा ये दिवाली मेला सोसाइटी के अंदर ही है तो लगता ही होगा, बट मैंने कभी नीचे आके देखा नहीं, मतलब मेरे घर के नीचे ही लगता है और मैंने कभी आके नहीं देखा। बट आज शिवांगी का साथ था तो मैंने कहा चलो देखते हैं और थोड़ा सा शिवांगी को भी अच्छा लगेगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।